ओ लोग को वोट देगा, वो लोग चला जाएगा, वोट लेके चला जाएगा, वो तार पर तो दिखाई नहीं देगा। तो मतलब ममता दीदी को देने वाले हैं? कुछ तो नहीं किया हम लोग को दीजिए, कुछ नहीं किया हम लोग कैसे देगा। तो यहाँ पर तो हमने ये सुना है कि ममता दीदी बहुत कुछ देती हैं। कुछ नहीं देता बाबा किसी को। 40 साल में कितना काम किया गया गरीब तबके लिए? बहुत काम किया गया, बहुत गरीब का भी अमीर हो गया, अमीर गरीब हो गया, इतना काम किया गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज चांदनी चौक के बाजार में मौजूद हूँ। जी हाँ, कोलकाता का ये मशहूर बाजार है। ऐसे में लगातार इलेक्शन की कवरेज में कर रहा हूँ, इलेक्शन की कवरेज लगातार आप तक पहुँचाई भी जा रही है। लेकिन ऐसे में गरीब तबके के लोगों को क्या कुछ मिलता है सरकार से? क्योंकि जब सरकार बनने का समय आता है, जब इलेक्शन का समय आता है, तो तमाम तरीके की बातें की जाती है, लेकिन उसके बाद इन गरीब लोगों को क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ नहीं मिल पाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आप इन्हीं सभी लोगों से बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं कि आने वाले इलेक्शन में इनकी क्या कुछ राय रहनी है और इनकी मांगे क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ दास है। क्या अभी बहुत जल्द इलेक्शन है, क्या कुछ सोचते हैं, किसको वोट देने वाले हैं? वोट तो देने वाला है सर, वोट तो वोट लेने के समय में तो बोलता बहुत कुछ है, फ्री कर देगा, वो फ्री कर देगा, उसका बात तो कुछ नहीं होता, गरीब का क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे तो हमने ये सुना है कि ममता दीदी बहुत कुछ देती हैं। कुछ नहीं देता बाबा किसी को। मोदी सरकार इस बार वादा कर रही है कि गरीबों के लिए बहुत कुछ आया जाएगा, 5 रुपये में खाना भी मिलने वाला है और 22,000 करोड़ की लागत से कोलकाता का सुधार होने वाला है। वो तो बोलता है सर बड़ा बड़ा बात, मतलब हम लोग का तो बोले कि बिजली बिल माफ़ हो जाएगा, लॉकडाउन के समय में कुछ नहीं हुआ और न हम लोग का राशन पानी में मिला है, और कंट्रोल में जो मिला वो तो कीड़ा मकोड़ा वाला चावल मिला हम लोग का, और तो कोई देने वाला नहीं। तो यहाँ पर तो हमने ये सुना है कोलकाता में कि ममता दीदी 5 रुपये में खाना खिलवा रही हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता? वैसा होता है सर, कहीं कहीं अभी खिला रहा हूँ, उस समय में तो कोई नहीं खिला रहा। अब इलेक्शन का समय है तो आप आने वाले समय में किसको वोट देंगे? देखा जाएगा सर, जिसको वोट देंगे। नहीं, साफ साफ कहिए ना, बीजेपी या TMC? हम लोग तो कलकत्ता का रहने वाले, हम लोग TMC को देंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खौफ है क्या कि TMC को ही वोट देना है, उसके अलावा किसी को नहीं दे सकते? वो तो हम लोग का जैसे आवरा किया कि बदलना होगा तो BJP को देंगे। अच्छा, मतलब ये है कि आपका जो विकास करेगा उसको वोट देंगे? हाँ, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे सर। अभी तक कितना विकास हुआ है आपका? अभी तक तो मन में तो है सबको BJP के देने का, मतलब परिवर्तन की आग जल चुकी है। देखिए सर, बोल रहे 2 रुपया में हम लोग का बिजली बिल हो जाएगा, 22,000 करोड़ की लागत से कोलकाता का सुधार होने वाला है, रोजगार दिया जाएगा, तो आपके बच्चों का शायद भविष्य सुधर जाएगा। देखिए सर, सुधर जाएगा कि नहीं सुधरेगा, अभी तो इलेक्शन के टाइम में बोलता बहुत कुछ। तो इससे पहले इलेक्शन के समय में ममता दीदी यहाँ से जीती थी, तो ममता दीदी ने कोलकाता का सुधार किया है? हाँ, पहले तो बहुत किया था सर सुधार, लेकिन गरीब तबके का सुधार नहीं हो पाया। गरीब का पेट का कोई सुधार नहीं सर। तो जिस तरीके से आपने देखा कि गरीब तबके का सुधार नहीं हो पाया, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भीड़ यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। क्या नाम है आपका? जयदेव। जयदेव, कहाँ के रहने वाले हैं? हम वहाँ मिदनापुर में रहते। कब से रह रहे हैं कोलकाता? यहाँ रहता है 10 साल। 10 साल हो गया आपको। ऐसे में अब इलेक्शन है, क्या कुछ सोच रहे हैं इस बारे में, किसको वोट दिया जाएगा इस बार? देखो क्या, खुल के बताएं, शर्माने की बात क्या है? देगा तो जो सरकार में सेंट्रल मिला था उसको, मेरा पसंद है उसको। मतलब TMC को देने वाले हैं क्या? TMC को देखो क्या होगा, या BJP? वही है, BJP को देगा। BJP को देंगे। तो ममता दीदी ने यहाँ पर काम नहीं किया आप लोगों के लिए क्या? काम तो सभी करता है सब। तो फिर नाराज़गी क्यों? नाराज क्या? तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर लोग चुप्पी साध लेते हैं जब बात करने की कोशिश की जाती है, तो तमाम तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे में सिर्फ ज़बान पर एक खामोशी छा जाती है। उस खामोशी का राज क्या है और लोगों से पूछते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ बगल में खड़े हुए हैं, हम इनसे बात भी कर रहे थे, तो एक अजीब सी खामोशी थी इनकी ज़ुबान पर, क्या राज है इसके पीछे? नहीं नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं जानते इस विषय में, बता दीजिए। अरे जो होगा फैसला समय से ही होगा। अच्छा, तो इस बार किसको वोट देने वाले हैं? देखा जाए, उस समय पता रहेगा किसको दिया जाएगा। अच्छा, अभी पहले से कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं? डिस्कस नहीं। अच्छा, समय ही बताएगा किसको क्या करना हो। जी, समय ही बताएगा किसको क्या करना हो। तो ममता दीदी को देने वाले हैं क्या इस बार? देखिए किसको दिया जाता है, मतलब परिवर्तन चाहते हैं। जरूर जरूर, सही। तो जिस तरीके से आपने देखा और भी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, परिवर्तन की आग। जी जी, क्या कह रहे हैं? 40 साल। कितने साल से यहाँ पे? 40 साल हो गए। 40 साल में कितना काम किया गया गरीब तबके लिए? बहुत काम किया गया, बहुत गरीब का भी अमीर हो गया, अमीर गरीब हो गया, इतना काम किया गया है। अच्छा, इतना काम किया गया है, तंज कस रहे हैं आप? हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं, गरीब तो सब अमीर हो चुका है, गरीब गरीब कहाँ है। तो एक चीज़ हमें ये बताएं कि कोलकाता में ममता दीदी का क्या खौफ है, क्या उनके बारे में कोई बात नहीं करता है?
नहीं ख्वाब के क्या बात है, बात जिसको जब समय आएगा वो अपने समय से किसको दिया जाएगा क्या करेगा वो तो खुद बताएगा ना, समय बताएगा। अच्छा, लेकिन ये है कि इस बार परिवर्तन हो सकता है, देखिए क्या होता है, अब तो समय ही बताएगा क्या करना हो। तो देखिए हर तबके की जो आवाज़ है वो लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया बन रहा है, ऐसे में गरीब तबके की आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये और हमारा धर्म भी है कि जो लोगों के पास सुख सुविधा नहीं पहुंच पाती है उनकी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक चाचा है हमारे साथ, चाचा किसको वोट दे रहे हैं इस बार? कैसे बोलें, हिंदी आती है? हाँ हिंदी तो आता है, क्या बोले? इस बार किसको वोट देने वाले हैं, ममता दीदी या मोदी जी? देखिए अभी हमारा वोट तो बिहार में है, देखिए जाएंगे तब किसको देने पड़ेंगे। नहीं तो इस बार आपकी सोच क्या है, किसको देना चाहिए? किसको मोदी एक देना चाहिए। अच्छा, मतलब दीदी से खुश नहीं है? ऐसे दीदी भी तो यहाँ काम अच्छा ही करता है, ऐसे तो दीदी भी देना चाहिए। दीदी नहीं, खुल के बोल सकते हैं आप ना, हुआ यदि रहेंगे तो हुआ देगा ना, तो यहाँ दीदी को देंगे हर का। अच्छा, मतलब यहाँ पर दीदी को देंगे लेकिन वहाँ मोदी जी को दे देंगे। हाँ वही तो, यहाँ भी सर मोदी जी को दे दीजिए। यहाँ मोदी नहीं देंगे, यहाँ दीदी को दे देंगे। मतलब दीदी का खौफ है क्या कोई? दीदी काम करता है ना। नहीं नहीं, ऐसे आप अभी कह रहे हैं, आपकी एक जो हंसी है उसके पीछे कई राज छुपे हुए लग रहे हैं मुझे। तो देखा जिस तरीके से आपने है कि यहाँ पर खुल के कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है, सब लोग एक खामोशी के तौर पर सिर्फ कह के रह जाते हैं और खामोशी के अलावा कुछ नहीं होता उनके पास, लेकिन यहाँ पर जो खौफ बना हुआ है ये जरूर देखने को मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? निखिल मुखोपाध्याय। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हाँ कहाँ के रहने वाले हैं? वर्धमान। जब वर्धमान के हैं, चुनाव है कुछ ही दिन में शुरू होने वाले हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं इस बारे में, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? देखिए ये वाला वोट कैसे देगा, वोट क्या है, क्या है क्या नहीं है, वो वाला तो आगे जानना है। वोट देखिए, वोट जखन दोबो किंतु वोटा कि सही जिनिसटा आगे जानते हबे। हिंदी बोलिए। वोट वोट क्या है क्या नहीं है वो वाला तो आगे पता है। देखिए वो वाला वोट कैसे देगा ये बात तो चलता है, वो लोग को वोट देगा वो लोग चला जाएगा, वोट लेके चला जाएगा वो, तार पर तो देखा ही नहीं देगा। तो मतलब ममता दीदी को देने वाले हैं? देखिए ममता दी के देखे देखेगा कि जुक्त फंड जो मोर्चा के देखेगा वो तो अलग बात है, किंतु ममता दी हमारे व्यक्तिगत गांधी की कर बोलू कुछ तो नहीं किया, हम लोग को दिए कुछ नहीं किया, हम लोग कैसे देगा। तो मतलब ये सच बात है कि यहाँ पर ममता दीदी का ऐसा खौफ बन चुका है कि उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है यहाँ पे। इतना ना, इतना दिन लॉकडाउन था, हमने तो ये सुना है कि लॉकडाउन में दीदी ने बहुत चावल दिया है, गेहूं दिया है, चावल दिया है, तो हम लोग क्या पाया है, हम लोग तो चावल नहीं पाया मिला, सिर्फ कागजी बात रह गई है क्या ये? हाँ वो तो सही है, दीदी ने जो काम किया है वो कागजी है क्या? ना कुछ कुछ है, कुछ काम सही है कुछ काम गलत है। तो इस बार परिवर्तन हो सकता है? देखिए वो वाला तो क्या बोलेगा, वो वाला तो पब्लिक बोलेगा, हम लोग कैसे बोलेगा। आप भी पब्लिक हैं, तभी तो आपकी राय ले रहे हैं। हम लोग कैसे बोलेगा बोलिए, वो जनमत किस दिग में है वो बोला तो और तो बोल नहीं पाएगा। जिस तरीके से आपने देखा कि चांदनी चौक में परिवर्तन की आग दिख रही है, तमाम तरीके की रिपोर्ट्स हम लगातार आपके लिए लाते हैं और इसमें ये बताया जाता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। जब इन लोगों से बात करने की कोशिश की जो गरीब तबका है जिनके लिए सरकार तमाम तरीके के वादे करती है कि इनके लिए तमाम तरीके के काम किए जाएंगे जिससे इनको सुख सुविधा मिल सके, लेकिन जब इनसे बात करने की कोशिश की तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सिर्फ कागजी बातें हैं और यहाँ पर TMC की तरफ से इनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है, इसलिए इस बार ये BJP को वोट देने वाले हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन लगातार बंगाल से जो सियासत हलचल चल रही है उसकी अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। नमस्कार।